हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। दिस लेक्चर इज़ इन कॉन्टिन्यूशन विद माय अर्लियर लेक्चर। दिस वाज अबाउट व्हाट आर परसेंटाइल्स एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन परसेंटाइल्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ कैन वी कैलकुलेट परसेंटाइल्स फॉर डिस्क्रीट सीरीज। ओके, नाउ डिस्क्रीट सीरीज, नाउ यू ऑल नो दैट दिस डिस्क्रीट सीरीज मीन्स डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज। And in this series, there is grouped kind of data or frequency distributed kind of data is there. The x is the variable and f is the frequency. Here I have taken some random data, and you have to determine 20th percentile. Okay. Now, how can you determine this? Let's discuss it. Now, for determining percentile from discrete series, the different steps are your first step is to arrange the data. Okay, जब भी आपने करना है तो आपका जो first step होगा वो क्या होगा, आपको data को arrange करना है into ascending order. और अगर आपको डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, सच टाइप ऑफ डाटा अगर आपको दिया हुआ है, तो आप उसको कैसे अरेंज करोगे, कि आपको अरेंज करते टाइम क्या चीज़ कंसीडर करनी है, दिस वेरिएबल, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और फ्रीक्वेंसी, जैसे इन द डाटा इन फ्रंट ऑफ 9 देयर वाज 4, ओके, इन फ्रंट ऑफ 25 देयर वाज 16, 50 के फ्रंट में क्या था 7, 40 के फ्रंट में क्या था 8। तो इन फ्रीक्वेंसीज को आपने सेम एज इट एज रखना है, कि अगर जहाँ पर भी इस वेरिएबल को अरेंज करना है इनटू असेंडिंग ऑर्डर, और इन फ्रीक्वेंसीज को अगर 20 के सामने अगर 6 आता है तो आपने 6 रखना है, 9 के सामने अगर 4 आता है तो 4 रखना है, एज इट एज इन फ्रीक्वेंसीज को इनके साथ में आपने रखना है। अरेंज ओनली आपने क्या करना है, ओनली वेरिएबल को अरेंज करना है। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप to arrange the data into ascending order. Thereafter, you have to determine the cumulative frequency. यहाँ पर cumulative frequency as I have calculated 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 16, 26, 26 plus 8, 34, like that. You have to calculate the cumulative frequency. Now, in the third step, you have to find out n. n is the summation of frequency or sum of the frequencies. So I have taken the sum of frequencies, it has come 43. Okay, now these are the three steps. सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, देन यू हैव टू डिटरमाइन n, n means summation of frequency. Thereafter, you have to determine I multiply n by 100. Okay, you have to calculate its value. Here, जो भी आप percentile calculate करना चाह रहे हैं, suppose here I am determining 20th percentile, तो I will be 20. Okay, तो यहाँ मैंने इसको 20 रखा and n was 43 summation of frequency जो हमारी आई थी, तो इसको calculate किया तो it has come 8.6. Okay. Now you have to find out the cumulative frequency just greater than 8.6. And अब 8.6 से just greater cumulative frequency क्या है? अगर आप इस table में देखें तो 8.6 से ज़्यादा कौन सी है? 10. Okay. And its corresponding variable क्या है इसका? Corresponding मतलब इसी के सामने variable की value क्या है? This is 20. Okay. सो योर 20th परसेंटाइल क्या है यहाँ पर 20. तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी आई मल्टीप्लाई एन बाई 100 को आप सोल्व करोगे, उसको सोल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी दैट विल बी द परसेंटाइल. ओके, एज यू कैन सी हेयर P20 इज इक्वल टू 20. Okay, this was about the calculation of percentile for the discrete series. Thank you.